हे सो गाइस, हर्षद बोल रहा हूं, बैक टू द न्यूडर। आज अब हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। ओके, तो आप सभी को अगर याद होगा, मेरे अगर आप पुराने सब्सक्राइबर्स हो गए, तो अप्रैल, मई, जून, ये तीनों महीने में यहाँ पर मैंने चिल्ला चिल्ला के वीडियोस बनाए हैं कि बजाज फाइनेंस खरीद लो, बजाज फाइनेंस खरीद लो, आलतू फालतू स्टॉक्स के पीछे मत भागो, बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा स्टॉक है, देखो खरीद लो, अभी भी मौका है। थोड़ी राइज देखने को मिली उसमें, फिर भी बोला था खरीद लो खरीद लो। फिर भी उस टाइम पे बहुत से लोगों ने कहा था, कमेंट किया था, डिसलाइक्स की थी, कहा था नहीं यस सॉरी बजाज फाइनेंस जाएगा 1200, जाएगा 1400, बट यस बैंक तो गया, बजाज फाइनेंस तो गया ही नहीं, यस बैंक याद आदत सी हो गई है, बजाज फाइनेंस तो गया ही नहीं। अभी करंटली 4908 रुपीज़ पे करंटली ट्रेड कर रहा है। एंड जैसे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स 90s में भी वही गलती कर देते, आज भी वही गलती कर रहे हैं कि जब सब कुछ हो जाता है, स्टॉक बहुत ऊपर हो जाता है, तब बाय करने आ जाते हैं। तो जैसे अगर आप आपने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया था उस टाइम पे, आपने ख़रीदा होगा, अगर फिर भी गलती होती है, सबसे गलती होती है, मेरे से भी हुई है, मैं भी ऐसे टाइम पे आया हूँ, गलतियाँ रिटेल इन्वेस्टर, ये आपकी, आप कोई स्पेशल नहीं हो, आपसे कोई गलती नहीं, सब सारे रिटेल इन्वेस्टर यही बात करते हैं, सब रिटेल इन्वेस्टर्स यही करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आज हम देखते हैं क्या अभी बजाज फाइनेंस करेंटली आप बाई से इसे बाई कर सकते हो या नहीं। अगर आप पे इसके पास पोजीशन, आपके पास पोजीशन है, तो क्या आपको अभी ऐड ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करेंगे। जो भी होल्ड कर रहे हैं, जो भी नए फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, सबके लिए ये बातें डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अभी बजाज फाइनेंस एक करंटली एक रेजिस्टेंस के ऊपर आया है, इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो चुनी है, एक रेजिस्टेंस पे आके ये अभी ट्रेड कर रहा है। अभी इसका रेजिस्टेंस ये हम देख सकते हैं, इसका पिछला हाई जो लास्ट टाइम इसने हाई दिखाया था, उसी हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं सब कोविड का सिचुएशन आ गया था, काफ़ी सारा नीचे गिर गया था, उसके बाद ये आज वापस इस पोजिशन पर ट्रेड कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा सिचुएशन अभी पहली बार नहीं आई है, काफ़ी पहले भी आ चुकी है, हम देख सकते हैं इसमें ये थोड़ा बड़ा है, वापस पुल बैक दिखा है, वापस में ब्रेकआउट देखने को मिला है, बाद में वापस नीचे आया है, थोड़ा बाद में कंसोलिडेशन देखने को मिला है, वापस एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, वापस ऐसा यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिली है। यहाँ पर तो ऑब्वियसली कोविड के चलते देखने को मिली थी, और अभी वही सिचुएशन यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। तो क्या अभी ये सिचुएशन बन रही है, अभी क्या हम इसे अभी बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम टेक्निकली देखें, अगर हम करंट मार्केट सिनेरियो को देखें, तो मार्केट अभी करंटली ओवरबॉट जोन में है। यस, मार्केट ओवरबॉट जोन में है, ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा है, ऑब्वियसली डाटा के बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं, ये डाटा कह रहा है कि मार्केट अभी करंटली ओवरबॉट और यूफोरिया जोन में, स्पेशली यूफोरिया जोन में, यानी एक्सट्रीमली ओवरबॉट जो हम मार्केट कहते हैं, उस जोन में है, और मार्केट ऊपर भी जा सकता है, वी नेवर नो, बट करंटली डेटा के हिसाब से मार्केट ज़्यादा ही ऊपर चला गया है। ओके, वैसे ही यहाँ पर बजाज फाइनेंस, ये एक फाइनेंस स्टॉक कैटेगरी में आता है, तो हम सभी को बताया जब मार्केट में कुछ गड़बड़ी आती है, मार्केट जब गिरता है, तो फाइनेंस स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरते हैं, और हम देख सकते हैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस भी सबसे ज़्यादा गिरावट वाले स्टॉक में से एक था। हम देख सकते हैं इसमें ऑलमोस्ट ये 4900 से लेके डायरेक्टली 2000 तक टच कर था, और भी नीचे गया था, 1827 तक गया था ये यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पर आधा हो गया था, ऑलमोस्ट आधे से भी ज़्यादा हो गया था, बट यहाँ पर हम एवरेज पकड़ के चल रहे हैं, एवरेज गिरावट पकड़ चल रहे हैं, ये थोड़ी सी दो तीन दिन के लिए गिरा था, वापस ऊपर आया था, बट एक ऑन एन एवरेज मोर देन हाफ ये गिर चुका था। तो ये एक छोटी बात नहीं है एक इतने बड़े कंपनी के लिए कि 50% उसमें गिरावट आ जाना, कोई छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है। लोगों ने जैसे बाय किया होगा 50% प्रॉफिट में, अभी भी ऑब्वियसली होंगे इसमें। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस के अभी एक ब्रेकआउट हमें दिखा सकता है। तो सबसे पहले अगर मार्केट का सिनेरियो देखें, बजाज फाइनेंस का मार्केट का सिनेरियो देखें, तो यहाँ पर ब्रेकआउट अगर सक्सेसफुल होने का चांसेस थोड़े से कम है, बट अगर हम बजाज फाइनेंस के फाइनेंशियल्स देखें, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेक्स्ट रिजल्ट्स में बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट ये पहले ही काफ़ी ज़्यादा और भी बढ़ चुका है। अगर वो एक्सपेक्टेशन की तरह अगर नहीं गया, तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट्स को ये मैच करने आएगा, और ये गिरावट भी दिखा सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स अभी करेंटली ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुका है। अगर रिजल्ट्स अगर अच्छे खासे नहीं आए, तो इसमें हमें एक और गिरावट, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी ही गिरावट देखने को मिल सकती है।
क्योंकि ऑब्वियसली रिजल्ट्स अगर एज एक्सपेक्टेड नहीं आए और रिजल्ट्स में एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, ये पहले ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है. आप बोलोगे कि अरे फेस्टिव सीजन आ रहा है, काफ़ी अच्छा कमाया होगा. बिल्कुल कमाया होगा, इसमें वो देखने को मिल जाएगा. बट ये अभी ही उसी इसमें ये जो अभी इसने जो बढ़त दिखाई है, जो इसने ये अभी इसमें बढ़त दिखाई है, वो अगर हम इसे देखा जाए तो इसका प्राइस और इसका ये सारा इवेल्यूएट किया जाए तो ऑब्वियसली ये पीबी इसका पहले से ही हाई है. ये ऑब्वियसली अपने करंट वैल्यूएशन पे ट्रेड तो बिल्कुल नहीं कर रहा और कभी नहीं करता बजाज फाइनेंस और ये अच्छा जो स्टॉक्स तो कभी नहीं करते अपने करंट वैल्यूएशन पे ट्रेड. बट यहाँ पर फिर भी एक जोन होता है जहाँ से अगर हम देखा जाए कि रिजल्ट्स और जो करंट मार्केट प्राइस है जब इवेल्यूएट करते हैं. हमने ये चीज़ डीमार्ट में भी देखी थी. मैंने कहा था जब रिजल्ट्स के पहले मैंने कहा था डीमार्ट बाय कर लो, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आएंगे. और हम देख सकते हैं यहाँ पर डीमार्ट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी हमें देखने को मिले. स्टॉक भी काफ़ी अच्छा रैली किया था उसमें. तो अगर हम यहाँ पर बजाज फाइनेंस देखें, अगर बजाज फाइनेंस यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिखाता, यहाँ से रेजिस्टेंस पे हिट करके नीचे आ जाता है, तो हमें एक छोटा सा पुलबैक देखने को मिल सकता है. कहाँ तक? ऑलमोस्ट 4200 से लेके 4000 तक ये भी आ सकता है, और भी जा सकता है. बट एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, 4000 तक आ सकता है. तो अगर आपको अभी इसे बाय करना है तो सबसे पहले मैं आपको एक फोरकास्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आप थोड़ा और श्योर हो जाओ. एनालिस्ट का ये कहना है कि ये एक छोटा पुल बैक, इतना तो नहीं गिरेगा. 62 इतनी गिरावट तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, इतना बिल्कुल भी नहीं गिरेगा. ये आपको इतनी मैं गारंटी बिल्कुल दे सकता हूँ. ये 30-40% के नीचे तो और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं गिर सकता. ओके, मीडियन, हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है. ये मीडियन जो दिखा रहा है ये पॉसिबल है, ये हो सकता है. और हाई जो देख रहे हैं ये थोड़ा कम ही दिखा रहा है, बस 6% दिखा रहा है, 5200 तक ही दिखा रहा है. इसका मतलब इसमें एक छोटा पुलबैक पॉसिबल है. स्टॉक में कोई भी गलती नहीं है, स्टॉक बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, स्टॉक काफ़ी अच्छा है. मेरी पर्सनल होल्डिंग है, मैंने इसमें वीडियो भी बनाई थी जब मैंने खुद बाय किया था. बताया नहीं था बाय किया है, बट आपको 2-3 वीडियो बनाई थी और कहा था कि बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो. उस टाइम पे काफ़ी नीचे ट्रेड करा था. तो इसके इसमें बुरा कुछ नहीं है. बट कैसा होता है ना, एक वैल्यूएशन, एक अच्छी एक प्राइस होती है और एक इसका फंडामेंटल्स होते हैं, मार्केट भी होता है. तो वो सारे चीज़ें हम यहाँ पर इवेल्युएट करके देखते हैं कि हाँ स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकता है इन द कमिंग टाइम. लॉन्ग टर्म में तो ये बढ़ेगा, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है. बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है. बट हम अभी बाय करने वालों की बात कर रहे हैं, हम अभी जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं. तो उसमें छोटा सा पुल बैक पॉसिबल है. अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता, अगर छोटी सी भी एक वैक्सीन की जगह कोई भी गलत न्यूज़ आ जाती है, गलती से भी छोटा लॉकडाउन का कोई सीन आ जाता है, तो हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी. बट फिर भी अगर हम इसके टेक्निकली देखा जाए तो एक छोटा सा पुलबैक इसमें पॉसिबल है. और वो पुलबैक के बाद आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया सा लॉन्ग टर्म के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाएगी अगर ये छोटा सा भी पुलबैक दिखा तो. आप तब ऐड ऑन कर सकते हो अगर आपके पास पहले से होल्डिंग है. अगर आप अभी बाय करने के सोच रहे हो तो स्टॉक को वॉचलिस्ट में डालो, क्लोजली देखो कि ये ब्रेकआउट दिखाता है या नहीं दिखाता. अगर दिखाता है तो वो फॉल्स है या राइट है. फॉल्स ब्रेकआउट भी दिखाता है, यानी ऊपर चला जाता है बाद में वापस नीचे आ जाता है, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट कहलाता है. बाद में डाउनवर्ड एक ट्रेंड दिखाता है तो उसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं. तो एक सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया. तो अगर फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं दिखाता, अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा जाए तो आप इसमें बाइंग की कंसिडरेशन कर सकते हैं अभी. लेकिन अगर नहीं दिखाता, जो कि लग रहा है कि नहीं दिखाएगा, मे बी छोटा सा एक दिखा सकता है यहाँ तक, ऑलमोस्ट 5200 तक छोटा सा एक बाइंग ऊपर दिखा सकता है. बट वहाँ से अगर वो नीचे नहीं आता तो ही आप यहाँ पर बाइंग की कंसिडरेशन कर सकते हैं. वरना या अगर ये एक पुल बैक दिखाता है तो आपको थोड़े से लेवल्स के लिए रुकना पड़ेगा नीचे के, और तब आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो. एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो. स्टॉक में कोई गलती नहीं है, स्टॉक में कोई बुरावट कोई बुरी बात नहीं है. स्टॉक काफ़ी अच्छा है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, कोई नेगेटिव बात नहीं है. बट ये एक छोटा सा एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है जो आपको लॉन्ग टर्म व्यू के लिए देखना है, लॉन्ग टर्म पोजिशन के लिए आपको देखना है. एक अपॉर्चुनिटी आपको कि कब बाइंग करनी है, क्योंकि लोग रिटेल इन्वेस्टर्स का ऐसे ही होता है, हाई में बाय कर लेते हैं, बाद में छोटा सा पुल बैक देखने को मिल जाता है, डर जाते हैं, एग्जिट मार जाता है, बाद में वापस ऊपर चला जाता है, फिर बाद में रोते बैठते हैं कि अरे मैं ही बाय करता हूँ तो अभी गिर जाता है, मैं ही सेल करता हूँ तो अभी ऊपर चला जाता है. ऐसा क्यों होता है? फिर वैसा इसलिए होता है क्योंकि आप इसे अच्छे से वैल्यूएशन पे नहीं खरीदते, आप इसे गलत वैल्यूएशन पे खरीदते हो. अच्छे वैल्यूएशन पे खरीदना अगर जब सीखोगे तब ऐसी बात नहीं होगी.
ओके आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आ चुकी होगी। इट्स अ होस्ट विद पर्सनल हाउसिंग में। थैंक यू।